नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छा करता हूँ, आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अभी गूगल पे चलाते हैं और दोस्तों अगर अभी गूगल पे में अपना यूपीआई आईडी पता करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे गूगल पे की यूपीआई आईडी पता कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपके बैंक अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए अगर आपका केवल एक बैंक अकाउंट कनेक्टेड है तो उस बैंक की कौन कौन सी यूपीआई आईडी है, और जैसे मान लीजिए अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट कनेक्टेड है तो उन सभी बैंक की कौन कौन सी यूपीआई आईडी गूगल पे में आपने बनाई हुई है, गूगल पे आपकी कौन कौन सी यूपीआई आईडी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दूँ कि कैसे पता कर पाएंगे कि यहाँ पे आपके गूगल पे में कौन कौन से यूपीआई आईडी बनी हुई है, कैसे आप यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी देख सकते हैं। अपने गूगल पे की यूपीआई आईडी पता करने के लिए देखने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करना है। गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गूगल पे के आपके कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्कैन इन क्यूआर पे कॉन्टैक्ट पे पे फोन नंबर बैंक अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले यूपीआई आईडी देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे दिख जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी यहाँ पे केवल एक बैंक का यहाँ पे दिखता है तो यहाँ पे जो आपका प्राइमरी यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे शो होता है। तो दोस्तों मोर यूपीआई आईडी, ज़्यादा यूपीआई आईडी देखने के लिए, सारी यूपीआई आईडी देखने के लिए, पता करने के लिए ऊपर यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखता है, रुपए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखता है और यूपीआई लाइट वाला ऑप्शन दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपके बैंक अकाउंट कनेक्टेड होंगे गूगल पे से वो यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए मेरा SBI बैंक है, BOB वाला कनेक्टेड है और ये UPI लाइट का एक ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मेरे को SBI बैंक की यूपीआई आईडी पता करनी है तो SBI बैंक पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके भी अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो उस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखा देता है, ये बोलेगा मैनेज यूपीआई आईडी, मैनेज यूपीआई नंबर, डिस्प्ले QR कोड, फॉरगेट यूपीआई पिन और चेक बैंक बैलेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला एक ऑप्शन दिखाता है मैनेज UPI ID, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये आपको बोलेगा स्टार्ट राउटिंग UPI ID, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 of 3 यानी कि 3 मेरी UPI ID है। तो देखिए यहाँ पे इस पर ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके जितने भी UPI ID कनेक्टेड है उस वाले पर्टिकुलर उस बैंक की जितनी भी UPI ID वो यहाँ पे सारी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरी यहाँ पे 3 UPI ID है तो तीनों के तीनों UPI ID यहाँ पे आ जाती है। अब देखिए दोस्तों किसी एक UPI ID को अगर आपको डिलीट करना है या कॉपी करना है तो यहाँ से आपको बाकी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई डिलीट करनी है UPI ID या कोई न्यू UPI ID बनानी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको तीनों UPI ID यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा उसकी जितनी भी UPI ID वो यहाँ पे आ जाएगी। देखिए दोस्तों मेरा ये वाली जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है उसके तीनों UPI ID वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आप जो है बाकी बैंक अकाउंट की भी चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसे मेरा सेकेंडरी बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनेज UPI ID सेटिस प्राइमरी अकाउंट, मैनेज UPI नंबर, डिस्प्ले QR, फॉरगेट UPI पिन और चेक बैंक बैलेंस। तो मैनेज UPI ID पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 0 of 3 यहाँ पे 3 UPI ID आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको कोई न्यू UPI ID बनानी है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ये HDFC बैंक की फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला बनाना है तो देखिए दोस्तों इस पे मैंने यहाँ पे आया और मैंने प्लस वाले बटन पे क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों आपको वेरीफाई नंबर पे आता है, यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये बोलेगा सेंडिंग SMS, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यहाँ पे SMS यहाँ पे सेंड होता है जो कि आपको ये वेरीफाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैसेज मेरा आ चुका है और एडिंग UPI ID यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, एडिंग न्यू UPI ID यहाँ पे कर रहा है। तो सेकेंडरी बैंक अकाउंट का जो UPI ID है वो न्यू UPI ID यहाँ पे ऐड हो रहा है। देखिए दोस्तों ये ऐड हो चुका है, हम यहाँ पे लिखा हो रहा है UPI एडेड सक्सेसफुली। तो देखिए दोस्तों ये मेरा UPI ID यहाँ पे ऐड हो चुका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे ऐड ऑल पे भी जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी जितने भी UPI ID है वो यहाँ पे सारी आ जाएगी। देखिए दोस्तों एडिंग UPI ID पे क्लिक करना है आपको। तो इस तरह से आप जो है अपनी UPI ID भी देख सकते हैं और कोई नई UPI ID आपको बनानी है तो दोस्तों न्यू UPI ID भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 3 UPI ID मेरी सारी ऐड ऑल पे मैंने क्लिक किया और सारी UPI ID मेरी जो है बन गई है। तो दोस्तों इस तरह आप भी जो है अपने जो है गूगल पे अकाउंट के अंदर आप अपनी UPI ID यहाँ पे चेक कर सकते हैं, न्यू UPI ID बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई आपका क्वेश्चन है सुझाव नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आज, तब तक के लिए बोलते हैं।